सब्जेक्टिव शीट नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, 2 भी हमने कर लिया था, 3 भी हमने कर लिया था, यहाँ से करना था. व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ देम. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है? आर. वो कह रहे हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर ताकि आर की वैल्यू आइदर ऑफ देम के इक्वल हो, यानी कि आर ए भी हो सकता है, आर बी भी हो सकता है, यानी कि ए और बी बराबर है. तो आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, तो आर की वैल्यू आ गई. अब इसके अंदर उसने क्या बोला, ये आर की वैल्यू है क्योंकि आर तो ए बी के बराबर है, आपको थीटा निकालना है तो हर जगह आर 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 पुट कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो, ये कट गया. सॉल्व करके कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस हाफ, तो थीटा क्या गया 120. ये हमने शायद लास्ट टाइम किया भी था ऐसा क्वेश्चन, ये आज हमने कर लिया. वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ 80 इज 40, आज पहला क्वेश्चन यही था तो शीट पे कर लिया. नेक्स्ट है, दो फोर्सेज हैं, एक 5 न्यूटन और एक 10 न्यूटन और एंगल उनके बीच में 120 डिग्री है, थीटा 120 है. फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आर का फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 10 × cos 120. cos 120 क्या होता है, माइनस हाफ, इसे सिंप्लीफाई करके आर आ गया एक आंसर. साथ में आपको क्या निकालना है, टेन बीटा. अब टेन बीटा के अंदर किसके साथ एंगल बना हुआ है बीटा, 5 के साथ. अब एक स्टूडेंट आया, वो बोला कि कहाँ लिखा 5 के साथ, स्टेटमेंट तो पढ़ो, उसे बोला ही नहीं 5 के साथ, पढ़ लो. ये तो मैंने लिया 5 के साथ, उसने थोड़ा कहा 5 के साथ, उसने कहा जी एंगल 120 है. अब बाय डिफॉल्ट जो सीक्वेंस लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि दो फोर्सेस 5 और 10 हैं, तो पहले वाला 5 होगा, दूसरे वाला इधर 10 होगा. मतलब मैं तो सीक्वेंस ऐसे ही मेंटेन करता हूँ, पी और क्यू, ए और बी, तो नीचे वाला वेक्टर फिर ऊपर वाला वेक्टर. तो इसलिए एंगल किसके साथ बना है, 5 के साथ. किसके साथ नहीं बना, 10 के साथ. तो फिर फॉर्मूला लगेगा, बी साइन 120 अपॉन ए प्लस बी 120, मतलब सॉरी ए बी में नहीं, ऐसे करेंगे, किसके साथ एंगल नहीं बना, 10 के साथ. किसके साथ बना, 5 के साथ. अब साइन 120 याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्वाड्रेंट सिखाए थे लास्ट टाइम, तो रफ में क्वाड्रेंट बनाना, साइन ऑफ 120 को लिखना, 90 प्लस 30, फिर डिसाइड करना सेकेंड क्वाड्रेंट है, 90 है तो कॉस होगा, सिखाया था लास्ट टाइम, चेक कर लो, √3/2 और कॉस ऑफ 120 -1/2. जब आप सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर 0 आ गया, तो यानी कि बीटा क्या आ गया, 90 आ गया, आंसर 90 डिग्री है. ठीक है, तो टेन बीटा की एप्लीकेशन है. ये क्वेश्चन कितने को डाउट है, देखने में ही है ऐसा, ये देखने में ही है नहीं अंदर. देखो क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, सिक्स, वो जो लंबा सा क्वेश्चन है प्रूव करने वाला, वही तो शीट में छोड़ा, वही था. तो अगर दो फोर्सेस, हाँ पहले क्वेश्चन है, फाइंड टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्या इक्वल, मेरे मार्क्स और तुम्हारे मार्क्स इक्वल है, हम दोनों इक्विलिब्रियम में हो गए, फिर इक्वल कैसे हुआ, क्या इक्वल, बैलेंस ऑफ फोर्सेस इक्वल, ऐसा. अच्छा बस बैलेंस ऑफ फोर्सेस बैलेंस हो गई तो इक्विलिब्रियम है, ऐसा. उनका रिजल्ट 0 है, सही है. देखो एक बॉडी है, इस बॉडी को आप फोर्स लगाओ 10 न्यूटन और मैं आपके ऑपोजिट लगाता हूं 10 न्यूटन, 10 और 10 आपस में कैंसल, नेट फोर्स किसके ऊपर कितनी, 0, तो ये इक्विलिब्रियम है. तो अगर किसी भी बॉडी पे सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, चाहे 10 फोर्सेस हैं, 10 का 10 नेट रिजल्ट 0 देता है, आपस में वेक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं और नेट आंसर 0 आता है, तो उस केस में बोलते हैं कि बॉडी किस में है, इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब एक ही चीज याद रखना, नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0. इक्विलिब्रियम का टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में फोर्थ चैप्टर में आएगा, वेक्टर को तभी वहां, तभी तो सिखा रहे हैं अभी, क्योंकि इसमें नेट फोर्सेस को जीरो करना होता है. तो इस क्वेश्चन में F1 F2 दो फोर्सेस हैं एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा और रिजल्टेंट फोर्स F है, तो कह रहे थीटा शो करो इसके इक्वल है. तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लिख लिया, स्क्वेयरिंग कर लिया, तो ये वाली टर्म लेफ्ट पे आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू इसके नीचे आ गई, थीटा कॉस इनवर्स इसके इक्वल आ गया, आ गया आंसर खत्म. तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख के स्क्वायर करके कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के कॉस इनवर्स में आंसर. क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, हो जाएगा इसमें, ठीक है. तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो.
ठीक, ठीक है, एक क्वेश्चन पेंडिंग है, वो शीट में आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे उसे।